चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारा नू प्यार भरी सत श्री अकाल। चोण अखाड़ा पक्या होया, प्रचार जिहड़े ने लगातार जारी है। वख वख पार्टियां वालों जिहड़ा प्रचार आ लगातार किया जा रहा है। बेशक गल की जाए डॉक्टर धर्मवीर गांधी की, तो कांग्रेस पार्टी वालों टिकट मिली है, तो प्रचार की जिहड़ी नेरी है उन्हां वालों लगाई गई है। उन्होंने घर विखे मौजूद हाँ, सो असीं गलबात करांगे। तुसीं देख सकते हो तस्वीरों के जिहड़े वर्कर साहबान ने, पुराने वर्करां की गल की जाए, नवे वर्करां की गल की जाए, तो उन्होंने मिलन वास्ते विशेष तौर पर आ रहे हैं। सो असी डॉक्टर साहब नाल गलबात करते हैं, क्योंकि पुराना तजर्बा भी है, लोगों के नाल विचरते भी ने, डॉक्टर पक्षों भी जिहड़ा है लोगों की सेवा भी करते हैं। सो गलबात डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब कि लग रहा है, टिकट हूँ मिल चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, हूँ की वीज़ा लैके चले हो? कहते पार्टियां छड़ के भी तुहाडे कोल आ रहे हैं हूँ? नहीं जी, बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा, लोग प्यार करते हैं, लोगों मेरे पिछले 5 साल के जो काम है, चाहे रेलवे का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, चाहे राजपुरा मोहाली लैंड लिंक का स्थापित करना हो, मंजूर करानी हो, चाहे स्कूलों की दशा ठीक करनी हो, 1100-1200 स्कूलों की, चाहे वह पासपोर्ट दफ्तर का खुलना हो, लोगों सारे काम याद ने। और लोग जिस बिना किसी भेदभाव तो मैं अपने फंडा की वरतों की और लोगों की मदद की है, लोग उसके उसनों चंगा समझते हैं। तो हूँ भी मैं उम्मीद है कि पूरे प्यार मेरे जी मैं वोट पा के कामयाब करेंगे, तो सीट जीत के आप देश को बचाने का जो योगदान वह पावे जी। डॉक्टर साहब, सीट में लैके बड़ा रेड़का चलिया, मीडिया से बड़ी खबर आईया ने भी हाँ डॉक्टर साहब की सीट में लैके, क्योंकि विरोध भी होना शुरू हो गया सी, कहंदे विधायक साहब ने विरोध किया, हाई कमांड को चले गए, हुण ठीक है, राजीनामा होगा कि नहीं? राजीनामा ही है, कोई बंदा पार्टी तो बाहर नहीं हैगा, सबनों पता कि इतिहास जो लड़ाई हैगी 24 का इलेक्शन है, इतिहासक लड़ाई हैगी, देश का भविख लिखा जाना है, देश का भविख तय होना कि देश ने किस पास जाना, जमहूरीत बचनी कि नहीं बचनी, धर्म पक्ष चरित्र बचना कि नहीं बचना, संविधान बचना कि नहीं बचना, एडे बड़े प्रसंग जो लड़ाई हो रही है, एडे बड़े प्रसंग में कोई भी पार्टी का वर्कर पार्टी तो बाहर नहीं जाऊगा जी। राजपुरे की गल की, बड़ी वोटा राजपुरे की मिलन जाऊंगे, तुम जाऊंगे क्यों आ रहे हैं? मैं जाऊंगा, उन्होंने क्यों आना, मैं जाऊंगा है, जेडे गिले शिकवे असं दूर करांगे जी। डॉक्टर साहब जेकर गल की आवे मुकाबला किस तरह देख दो, क्योंकि परनीत कौर भी कहते पहला एक्टिव रहने, सबना मुकाबला है, सबना मुकाबला है, हर एक अपने अपने गुण है, अपने अपने औगुण है, हर एक कमजोरियां, हर एक दी प्राप्तियां है, सारे अपने प्राप्तियां दे कमजोरियां लैके लोगों जाणगे, लोगों की कचहरी ने फैसला करना किहड़े बंदे नूं उन्हें सिर ते ताज पहनाना है और किहड़े बंदे नूं पार्लीमेंट भेजना, किहड़े नूं पिछे रखना है। डॉक्टर ते डॉक्टर दी नब्बे जिहड़ी है समझ है कि लगता तुसीं दूजे डॉक्टर दी नब्बे समझोगे? नहीं, मैंने इस तरह मुकाबला करना नहीं चाहिए है, उन्होंने एक अपना चरित्र है, मेरा एक अपना चरित्र है, उन्होंने एक अपना राजनीतिक इतिहास है, मेरा एक अपना राजनीतिक इतिहास है, उन्होंने एक अपनी समाजिक भूमिका, मेरी एक अपनी समाजिक भूमिका हैगी है, इवें जी राजशाही फैमिली है, इहदा भी अपना एक पुराना हिस्टरी हैगी है, मेरी भी एक हिस्टरी हैगी है, सो इस करके जो वन टू वन मुकाबला इस तरह नहीं होंदा है, लोगों ने फैसला करना कि किहड़ा बंदे का सियासी चरित्र, समाजिक चरित्र, जिहड़ा उहदा सियासी पिछोकड़, समाजिक पिछोकड़ उहदा की हैगा, लोगों जो किवें विचरिया, काम की आम लोगों की तरह विचरिया हैगा, जा खास लोगों की तरह विचरिया हैगा, लोगों ने इस आधार पर फैसला करना कि उन्होंने अपनी वोट किनू देनी है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की गल की, जो आम आदमी पार्टी की लहर शुरू हुई थी ना, तो तुम जो बड़ा विरोध किया, किस तरह गल की, धरने भी दिते, मुजाहरे भी दिते, तो उस तरह जित भी हासिल की है, कि वो लहर जी लोगों के जुड़ी थी, कि दोबारा जुड़ सकेगी, कि लोग दोबारा उस तरह जुड़ रहे हैं या नहीं? लोग जुड़े रहे, लोग हूँ भी पिछले 5 साल तो जुड़े रहे हैं, अलग अलग रूपा जुड़े रहे हैं, मैं डाकती किते राही ज समाजिक सेवा राही लोगों की मदद करता रहा है, मैं लोगों को कभी वक्रा होया ही नहीं है, मैं रोज़ 100 तो लैके 150 लोगों तक मतलब मेरी रसाई रही है, पहुँच रही हैगी है, सो इस करके मेरे वास्ते मैं लोगों वास्ते नवा नहीं, ना ही लोग मेरे वास्ते नवे है। किसान अंदोलन चल रहा है, कि लगता किसान अंदोलन लैके कुछ किसान भी जोड़े ने अरैसट किए गए हैं, कि तुम्हें लगता कि यदा इफेक्ट भी जरा कि पार्टी में पै सकता है? देखो यदा इफेक्ट तो सीधे तौर पर भाजपा को पेगा, और जे तक जिहड़ियां मंडियां विच साइलों नूं कणक भेजण दा स्कीम आई सी जिहड़ी वापस लै ली लोक इलैक्शन दी मजबूरी करके, उहदा असर कुछ जथेबंदियां ने आम आदमी पार्टी दा असर पऊगा, उहदा वी विरोध कर रहियां ने कि उही नीतियां लागू कर रहे हैं जिहड़ी मोदी साहब लागू करना चाहते सीगे, ते पंजाब मतलब 16 मंडियां साइलों की इजाजत दे के पंजाब च भी उही कुछ करना चाहता, हालांकि हाल दी घड़ी उहनूं वापस लै लिया गया चोणां दे डर तों, लोकां दे डर तों। केजरीवाल के परिवार का बयान आया, पता की कहते हैं, कहते ईडी तो डरते मारे जो बीजेपी है यह एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि असं तो कोई करप्शन नहीं की, कहते कि पिछलियां सरकारां की गल की जाए, कहता वो सानू दबण की कोशिश कर रही ने। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट च केस है, जे जिहड़ी धिर की सच्चाई होगी सामने आ जाऊगी है, पर मैं कहता जी सियासी बदलाखोरी की नीति हैगी जो भाजपा सरकार बड़ी नंगी चिट्टी हो कर रही है, ये गलत हैगी है, चुने हुए मुख्यमंत्री इस तरह गिरफ्तार करना गलत है, वो भी चोणों वेले जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, मैं बतौर एक जमहूरी व्यक्ति होने के नाते सियासी साढ़े
ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ 50 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾ ਸਿਰਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।